Hello, welcome to Pakistan Aviation. इन्फॉर्मेशन काफी सारी इन्फॉर्मेशन अब तक आ चुकी है और पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने इसके ऊपर एक्शन लेते हुए जो इन्फॉर्मेशन के फ्लो है उसको भी एड्रेस किया है। एक वेबसाइट बनाई गई है जिसके ऊपर अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है। उसके अलावा दुबई में जो पाकिस्तानी है कल एक फ्लाइट ऑपरेट की गई थी और उनके जो सारे इश्यूज हैं उनको भी एड्रेस करने की हुकूमत ने कोशिश की है। हम सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तानी गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर की कल स्टेटमेंट आई थी कि जी पाकिस्तानी ये ना समझे कि हम उन्हें भूल गए हैं। अब बाजाहिर तो ये बात बड़ी अच्छी लगती है क्योंकि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने तो इमरान खान पीटीए ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, लेकिन बहुत सारे पाकिस्तानीज ओवरसीज पाकिस्तानीज ग्रांटेड हैं। कल मैं फरहाद जलाल की एक वीडियो देख रहा था जिसमें बहुत ज्यादा गुस्से में थे और बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन का इजहार कर रहे थे। बट कमिंग बैक टू द पॉइंट के पाकिस्तानी हुकूमत ने जो बुनियादी तौर पर मुख्तलिफ मुल्कों के लिए फ्लाइट्स का प्लान का अनाउंस किया, जो वेबसाइट के ऊपर सरकारी डेटा है उसमें साउथ अफ्रीका के लिए इस्लामाबाद से बेसिकली 120 पैसेंजर्स की बात की जा रही है। उसके ऊपर लिखा हुआ उस 20 अप्रैल को यानी कि कल की तारीख में यूएई से लाहौर के लिए 250 यानी 500 पैसेंजर्स की बात की जा रही है। पीआईए इनमें से एक ऑपरेट की जा चुकी है, जो दूसरी है वो बात हो रही है, लेकिन कल एक फ्लाइट ऑपरेट की जाएगी। यूएई से कराची के लिए भी फ्लाइट्स की बात हो रही है, इसके ऊपर लिखा हुआ पीआईए की फ्लाइट्स हैं। तो ये बुनियादी तौर पर 250 प्लस 250, आई डोंट नो अब इसका मतलब क्या है। ये 500 है, दो फ्लाइट्स होंगी, लेकिन कराची और लाहौर के लिए दुबई से फ्लाइट्स हैं। उन्होंने लिखा हुआ है कि यूएई पिशावर और यूएई मुल्तान क्लोज्ड, यानी उनके अंदर जितने भी अब इस यानी कि क्लोज का मतलब मुझे चला कि क्या है, सो मे बी दैट नीड्स क्लैरिटी। उसके अलावा इनसे फैसलाबाद के लिए गल्फ एयर की फ्लाइट, उसके ऊपर बहरीन एयर लिखा हुआ था जो कि 2013 में बैंकरप्ट हो गई थी। सो आई डोंट नो यहाँ पे क्या मतलब है इनका। एंड देन कोरिया के लिए हमने कल बात की थी फ्लाइट है। मलेशिया सिंगापुर के लिए कराची से फ्लाइट की बात की जा रही है जो उसके ऊपर लिखी हुई है, और यूके के लिए लाहौर इस्लामाबाद दोनों से फ्लाइट्स हो रही हैं। आज भी एक फ्लाइट जो है वो पाकिस्तान से यूएई सॉरी यूके गई है, और कनाडा के लिए भी आज एक फ्लाइट गई है। यानी कि हम इन्फॉर्मेशन की बात करें तो इन्फॉर्मेशन काफी हद तक अवेलेबल है फ्लाइट्स के बारे में। जो हाई कमीशन्स हैं, जो एम्बेसीज हैं, वो इस बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो कल एक स्पेशल फ्लाइट जकार्ता से इंडोनेशिया से पाकिस्तानियों को लेके आई थी। उसके बाद दुबई से जो फ्लाइट थी वो रात को तकरीबन 9 बजे जहाज लेके आया था। पाकिस्तानी एम्बेसी ने उनकी फोटोज वगैरह भी शेयर की थी। उसके बाद अगर हम बात करें तो जजीरा एयरवेज ने कल कराची फ्लाइट टोरंटो के लिए APBJY जो है वो 6 घंटे पहले हमने शेयर किया था कि मैं प्रवास था पहुंच चुका है। इस्लामाबाद से लंदन के लिए फ्लाइट गई है, उसके बाद इस्लामाबाद से मैनचेस्टर के लिए फ्लाइट गई है। चाइना ने रिज्यूम की है से इस्लामाबाद और कराची और फिर वापस बीजिंग, तो वो भी है। आज बड़ी इंटरेस्टिंग थी कि विजन एयर का कार्गो प्लेन पहली दफा मैंने काफी दिन बाद देखा। सो कार्गो ऑपरेशन तो चले हैं खैर। एनीवेज ये अब तक की जो फ्लाइट की हम बात कर रहे थे जो हमने अब तक रिज्यूम देखी है वो इन्फॉर्मेशन हम उसकी बात कर रहे हैं। देन वी हैव जो पाकिस्तानी की सफरिंग है यानी कि बुनियादी तौर पे ये कल एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात जो मैंने कल नोटिस की कि कतर एयरवेज जो है वो फ्लाइट्स ऑपरेट कर रही है पाकिस्तानियों को यूके ले जाने के लिए, और यूके ले जाने फ्लाइट्स हैं वो कतर से पाकिस्तान फारिग आ रही हैं, खाली आ रही हैं, यहां से पैसेंजर्स को लेके जा रही हैं। तो ये क्यों हो सकता कि कतर एयरवेज को इजाजत दी जाए कि वो ऑस्ट्रेलिया वो ऑलरेडी फ्लाई कर रहे हैं, तो अगर वहां से पैसेंजर्स को ला सकते हैं वो, और वो बुकिंग अगर खोलें, यानी ठीक है वो चार्टर फ्लाइट्स हैं लेकिन फेरी फ्लाइट्स भी तो हैं। अगर फेरी लोग हैं उनके अंदर जो क्वारंटीन की फैसिलिटीज हैं एयरपोर्ट के ऊपर उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। एहतिशाम अर्शद साहब जॉर्डन में स्टक हैं, उस वेबसाइट के ऊपर जॉर्डन के बारे में कमीशन नहीं है। आई थिंक कि आप पाकिस्तानी एम्बेसी से बात करें एंड ट्राई कि वो देखें कि किस तरीके का इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करते हैं। कतर से पीआईए की फ्लाइट नकाशवान नहीं, अभी तक कोई इसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है। फ्लाइट्स आ रही हैं लेकिन वो फेरी फ्लाइट्स हैं, पैसेंजर्स के लिए नहीं आ रही। वसीम चौधरी आपने कल मैसेजेस किए थे, यस आई रिमेम्बर आपने मैसेजेस किए थे और मैंने उनके आपको जवाब
वो भी निकाल लेता हूँ ताकि दूसरे लोग जो इस बारे में इन्फॉर्मेशन चाहते हैं उन तक भी वो इन्फॉर्मेशन मिल जाए। आंसा उमर, यस जॉर्डन की अगर फ्लाइट्स ऑपरेट हो सकती हैं तो वी अप्रिशिएट कि अगर करें। सऊदी अरब के लिए उमर वहाब साहब अभी फ्लाइट्स का कोई प्लान नहीं है क्योंकि दोनों मुल्कों के दरमियान अभी तक नहीं कर सका। तो सब नेदरलैंड जाना चाहते हैं और पीआईए की फ्रैंकफर्ट के लिए मैंने बताया था कि प्लानिंग चल फ्लाइट ऑपरेट करेंगे, सो वी आर गोइंग टू लुक एट दैट कि वो कब तक होता है। आंसर उमर साहब, यस जॉर्डन की बात, दैट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट कि जॉर्डन में पाकिस्तानीज हैं, बट टॉक टू द एम्बेसी। मैंने पहले भी कहा था कि अगर आपके पास वैलिड टिकट्स हैं तो जिस एयरलाइन के टिकट्स हैं आप उनसे बात करें। अगर आपके पास किसी ऐसी एयरलाइन का टिकट है जो पाकिस्तान फ्लाई नहीं कर रही है अब, देन योर फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है जो एम्बेसी को होना चाहिए। एम्बेसी आएगी उसके वेबसाइट के ऊपर, फ्लाइट ऑपरेशन जो है वो डिटेल्स के साथ जमा किए जा रहे हैं। वेबसाइट का एड्रेस है covid.gov.pk, उसके ऊपर सारी इंफॉर्मेशन हुकूमत के मुताबिक दी जा रही है, तो कह सकते हैं। रहमान, अच्छा रहमान साहब कह रहे हैं कि उन्होंने फॉर्म वगैरह सबमिट किया है और उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत कि मैं दोबारा ये कहूंगा मेरे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं, एम्बेसी से बात करें, दे आर योर फर्स्ट टैक। अबाउट फ्लाइट्स टू जापान, पीआईए ने टोक्यो के लिए फ्लाइट मेरे मुंह से हमेशा नारिता एयरपोर्ट मिलता है, ये एविएशन की किसी सी बात है कि आप फ्लाइट और सिटीज को एयरपोर्ट्स के नाम से जानते हैं। एनीवेज, सो टोक्यो, ये जो मेरे मैसेजेस पढ़ रहे हैं ना कुमार बुखारी और अरहम इकबाल, ये मेरा वो ये वाला साइड समझ सकते हैं। Anyways, having said that, the point is that the flight is basically going to be operated to Tokyo Narita airport very soon. Ek operate ki ja chuki hai, jaise humne dobara repeat ki, Kabul se Pakistani aap by road aa sakte hain, Turkha border open hai, hukumat jo hai wo jo Chaman ka border hai wo bhi open karna cha rahi hai agle hafte se. So your first best option is by road if you can come, that is if you want to take that opportunity. Sania Qureshi jo hai wo bahut नासिर हुसैन साहब तोरखम बॉर्डर के बारे में लिख रहे हैं, आई मीन ये फिलहाल ऑप्शन अवेलेबल है पीआईए, मेरा नहीं ख्याल कि उसके अलावा सो ये कह रहे हैं कि लेबर की सिचुएशन, बिल्कुल मैंने बहुत दफा बात की इस बारे में कि बहुत सारे लोगों के हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। जो सोल साउथ कोरिया फ्लाइट है वो 23 अप्रैल की आ रही है, सो 23 अप्रैल को अब हमारे पास दो इन्फॉर्मेशन आ रही है जो डेटा उसको बैक करता है, सोर्सेज भी बैक कर रहे हैं कि पीआईए ऑपरेट करेगी। देन हमारे पास सऊदी अरेबिया ने मैंने कल बताया था कि नॉर्मल फ्लाइट ऑपरेशंस के डिनाई किया है कि नॉर्मल फ्लाइट ऑपरेशंस जो है वो रिटर्न होंगे सऊदी अरेबिया से पाकिस्तान के लिए, अभी तक फ्लाइट ऑपरेशंस नहीं हो रहे क्योंकि अरब जो है जो रिलीफ फ्लाइट्स हैं वो चल रही है, उन्होंने दो फ्लाइट्स भिजवाई थी, एक मुल्तान और एक लाहौर। हेलो आफिया, मेरी उस्ताद आफिया सलाम ने मुझे ज्वाइन किया। आफिया, अमेरिका के बारे में देयर इज नो इन्फॉर्मेशन, अभी तक जो डेटा है इन्फॉर्मेशन उसके ऊपर कुछ नहीं है। अमेरिका वाले लोगों के लिए बेस्ट आप बेस्ट जेट जो पीआईए के साथ कोर्ट करें, एंड इफ यू कैन गेट टू टोरंटो, टोरंटो से अगर पीआईए बुक करिए वो अच्छा। हमने ये पहले शेयर किया था कि पीआईए जो यूके फ्लाइट्स लेके जा रही है वहां से भी लेके आ सकती है, तो अब कल ये क्या कहते हैं ना वो फाइन डिटेल्स वगैरह कल पता चली कि पीआईए के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हैं कि वो इन जो 50 पर वीक ला सकती है। अभी 250 पैसेंजर्स यूके से पर वीक, यूके हीथरो से हैं, बर्मिंघम से हैं, मैनचेस्टर से हैं, दैट इज नॉट क्लियर, लेकिन अभी तक सो यूएस से अभी तक कोई फ्लाइट का प्लान मैंने नहीं देखा और ना ही जो गवर्नमेंट ने प्लान पब्लिश किया है उसके अंदर यूएस के ही नजर आ रहा है। सो अभी तक यू आर ऑन योर ओन, योर बेस्ट बेट इज इफ यू कैन मेक टू टोरंटो एंड देन फ्रॉम देयर यू कैन कम टू पाकिस्तान। UAE to extend visas for Pakistanis nationals amid coronavirus outbreak. UAE की हकुमत ने कि गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशराइज किया जाए। मैंने अब मसला ये कि बहुत सारी अफवाहें होती हैं, मेरे सोर्सेज डिनाई कर रहे हैं, दे आर नॉट कंफर्मिंग इट, वो ये कह रहे हैं कि हकुमत यूके के लिए प्लान कर रही है,
सॉरी यूएस के लिए प्लान कर रही है, बट अभी तक कोई कंफर्म इन्फॉर्मेशन नहीं है. कंफर्म इन्फॉर्मेशन ये है कि मेलबर्न के लिए फ्लाइट ऑपरेट हो रही है, कोरिया के लिए हो रही है, फ्रैंकफर्ट के लिए प्लान हो रही है, दुबई के लिए फ्लाइट्स कुछ कंफर्म है, बाकी प्लान हो रही है. अच्छा अब हमारा की हुकूमत जो है उसने फैसला किया था कि पाकिस्तानियों के जो वीजेज हैं, वीजा है, उनको एक्सटेंड कर दी जाएगा. जो स्टैंडर्ड पाकिस्तानीज हैं उनको हर तरीके से फैसिलिटेट किया जाएगा. और वो उन्होंने कहा था कि जो जो वर्चुअल जॉब्स हैं वो पाकिस्तानियों को प्रायोरिटी की बुनियाद पर फैसिलिटेट की जाएंगी. अब हम वीरों की बातें हैं, आई डोंट नो इसमें कितनी ऑन द ग्राउंड कैसा हो रहा है, लेकिन उन्होंने कहा था कि जो वीजे हैं वो एक्सटेंड किए जाएंगे. अच्छा, पाकिस्तानी पीआईए के मिडिल ईस्ट जनरल मैनेजर शाहिद मुगल की तरफ से Jio.tv पे ये खबर छपी हुई है. उन्होंने जियो से बात करते हुए कहा था कि 2000 पाकिस्तानियों को पहले फेज में लेके जाया जाएगा. और फैसलाबाद मुल्तान की भी बात कर रहे हैं पीआईए वाले इसको, यानी अब ये भी पीआईए वाले हैं बाय द वे, लेकिन जो मेरे सोर्सेज हैं वो कह रहे हैं कि अभी परमिशंस जो हैं वो फाइनलाइज नहीं हुई, बट ही इज अ पीआईए ऑफिशियल जो कि रिस्पॉन्सिबल आदमी है, वो अगर कह रहे हैं तो हमें मानना पड़ेगा कि पीआईए जो है वो इनके ऊपर काम कर रही है. उसके अलावा अगर हम बात करें तो जो पीआईए की यूके के लिए फ्लाइट हैं उनके ऊपर हमने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है कल बात की थी, उसके ऊपर मैं थोड़ी सी डिटेल और शेयर कर दूं कि जो यूके के लिए फ्लाइट हैं, हाँ, बहुत सारे सवाल हैं इस बारे में, तो आप गौर से सुन लें. मैं दोबारा रिपीट करूंगा एंड पे, लेकिन अभी तो फिलहाल आफिया जो यूएस के सिटीजन हैं दुबई वालों को नहीं ला रहे. 40,000 पैसेंजर है जिसने जाहिर किया है, तो अगर 40,000 के हिसाब से देखा जाए तो दैट मेक्स अराउंड 250 पैसेंजर्स पर प्लेन अगर हम करें, तो 250 by like 4 flights a day, so ये आप खुद ही अंदाजा कर लें कि कितने हजार, यानी कि हजार के ऊपर 4 flights, तो 40, मेरा मैथ्स बहुत वीक है, so इतनी flights जो हैं वो operate होंगी, तो I don't think कि that is an option. मेरा मशवरा आपको आफिया ये है कि आप stay करें. I think 10 से 15 जनवरी मई तक हालात कुछ बेहतर हो जाएंगे, so I think that's the best option. Yes, UK is an option, लेकिन UK से मैंने बताया कि 250 की कैपेसिटी है, इससे ज्यादा लोग नहीं वापस ला सकते क्योंकि ये स्पेशल फ्लाइट्स हैं, ये स्केड्यूल फ्लाइट्स नहीं है. सो अगर आप PIA में के बात करके उनसे UK से टिकट ले सकते हैं क्योंकि वहां स्टैंडर्ड पाकिस्तानी कम है, तो अगर आप UK से टिकट खरीद सकते हैं तो दैट इज एन ऑप्शन. यू गेट फ्रॉम US टू UK एंड देन वहां से आप वापस आ जाए. रियाज टू पिशावर अभी कुछ नहीं, सऊदी अरब की फ्लाइट अभी नहीं ऑपरेट हो रही. इस्लामाबाद अभी फिलहाल एक फ्लाइट ऑपरेट हुई है, एक के बारे में कंफर्म है. जो सरकारी वेबसाइट है वो बता रही है कि अभी तक कोई इस बारे में कंफर्म नहीं, पीआईए की 4 फ्लाइट्स उन्होंने लिखी है, 2 कराची 2 इस्लामाबाद के लिए, अगर 250 प्लस 250 को 2 फ्लाइट समझा जाए तो. बिलाल राय साहब, वो क्यों पाकिस्तान आना चाहता है आपका भाई इमरजेंसी में? मेरे ख्याल में अगर कोई ऐसी इमरजेंसी जिसको अवर्ट किया जा सकता है तो उनको नहीं आना चाहिए, क्योंकि आ गया फिर वो वापस जाने का मसला होगा. सो अगर आप मुझसे पूछें तो मेरा मशवरा ये है कि उसका कोई सोल्यूशन निकाला जाए, बट अगर वो आना चाहते हैं तो फिलहाल डेली आफिया को जवाब दे रहा था तो उसमें आपका जवाब भी है कि अगर आप यूके से ले सकते हैं, टोरंटो से ले सकते हैं, दीज आर टू ऑप्शंस यू हैव. फ्लाइट टू यूके कैन यू गेट? यस, यू डोंट वांट टू डू द मैथ्स आफिया. यूएसए भी पूछा है, वो बोल रहे हैं कि वापस खाली जा रहे हैं यूएसए, यूके से जहाज ये सारे खाली आ रहे हैं. मेरे ख्याल में एक फ्लाइट जो है वो पैसेंजर्स ला सकती है, सो 250 की बात मैंने की थी, सो दैट इज लाइक 1 फ्लाइट अ वीक दैट कैन कम. यूएस टैक्स के ऊपर कुछ किया है, जो पासपोर्ट्स हैं पाकिस्तान के उनकी एक्सटेंड की एक्सपायरी. आई थिंक योर वीजाज, योर बेस्ट बेट इज टू टॉक टू द एम्बेसी, मसलन पाकिस्तानी एम्बेसी, पाकिस्तान यूएस एम्बेसी से. उनसे मैंने यूएई का पढ़ा है, मैंने यूके का पढ़ा है, सॉरी सऊदी अरेबिया का पढ़ा है, इस बारे में कुछ ना कुछ तो करेंगे. ऑफ कोर्स दे नो के इट्स अ लॉकडाउन एंड दिस इज नॉट वेरी इजी फॉर यू टू बेसिकली गेट आउट. इफ योर वीजा एक्सपायर एंड यू आर स्टक देयर, आपको क्या करेंगे वो फिर? आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम एनी दैट. वाया कैनेडा, यस बिलाल राय, समय
साकिब हुसैन से वीवीआईपी फ्लाइट्स नहीं, 250 की कैपेसिटी, उसमें जो बंदे आ सकते हैं वो आए, उन्होंने लेके आए हैं 200, काफी सारे बंदे पहले लेके आए हैं, उन्हें माशाल्लाह हमारे वजीर साहब के रिश्तेदार भी थे। जो लोग फंसे हुए हैं बात सुनी, तो फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं, पाकिस्तान में लोग हैं उनको कैनेडियन गवर्नमेंट जो है वो $2,000 दे रही है बगैर किसी पूछे, बगैर पूछ पड़ताल के वो दिए जा रहे हैं, यूके एम्बेसी भी कर रही है, लेकिन पाकिस्तानियों के लिए अभी तक कुछ नहीं है। अच्छा, तो मैं ब्रिटिश हाई कमीशन के सवालों का जवाब दे रहा था। उन्होंने कहा है कि आपने उस दौरान आपको बेसिकली अगर कंफर्म नहीं हुआ तो आपकी फ्लाइट के टाइम के साथ आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। अगर लोग जो हैं जिनकी दवाइयां खत्म हो गई वो कह रहे हैं, तो पाकिस्तान में वैसी फार्मेसीज खुली हुई हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉपीज अपने साथ रखें। उन्होंने ये वाजे तो है कि आपको अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉपीज जो है उनको लेके जाने की जरूरत है ताकि जरूरत पड़ने पे आप दिखा सकें उनको। अच्छा, उसके अलावा उन्होंने ये भी लिखा है कि हो जाए 24 घंटे पहले, 12 से 24 घंटे पहले आपको बताया जाएगा। और जो फ्लाइट्स की बात है उनके अंदर उन्होंने लिखा है कि 26 अप्रैल को इस्लामाबाद से 21, 22, 23 अप्रैल को, यानी कि परसों और अगले 21, 22, 23 को इस्लामाबाद से हीथरो के लिए फ्लाइट्स हैं 3। देन देर आर फ्लाइट्स 24, 25, 26, 27 को इस्लामाबाद से मैनचेस्टर के लिए फ्लाइट्स हैं, और ये फ्लाइट्स जो हैं ये मोस्टली पाकिस्तान से यूके के लिए फ्लाइट्स हैं, वहां से नहीं आ रही, पैसेंजर नहीं आ रहे। 22 और 24 को लाहौर से हीथरो के लिए, लंदन के लिए फ्लाइट्स हैं, और 26 अप्रैल को लाहौर से मैनचेस्टर के लिए फ्लाइट्स हैं। अगर आप विजिट करना चाहते हैं सिलसिले में, तो उन्होंने वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, यूके इन पाकिस्तान ट्विटर के ऊपर, उनका ट्विटर अकाउंट है, जहां से आप देख सकते हैं इन्फॉर्मेशन। अच्छा, 20 अप्रैल को एक फ्लाइट है, 23 को 19 को। इन लोगों की बुकिंग से उन बेचारों के साथ ये सलूक किया जा रहा है कि उनकी बुकिंग आगे पीछे की जा रही है। एक साहब की मुझे कॉल आई, मैसेज आया कि जी उनकी फ्लाइट 23 को बुक थी, वो जो है वो नहीं चली। सो इट्स वेरी, और बहुत सारे अजीब और गरीब सूरत हाल, आई डोंट नो। हम कनाडा की बात भिजवा दी। अच्छा, कल से लोग शेयर कर रहे हैं बड़ी इंटरेस्टिंग चीज, कि एमिरेट्स ने ऑन साइट कोरोना वायरस टेस्ट जो है उनके पैसेंजर्स के किए हैं। ये न्यूज की खबर है, 16 अप्रैल की खबर है, वेरी इंटरेस्टिंग न्यूज कि अगर वो कर रहे हैं, और वो विद इन 10 मिनट्स टेस्ट देते हैं जिन्होंने बेसिकली दुबई हेल्थ सर्विसेज के साथ, तो बहुत बड़ी अनाउंसमेंट होगी। काफी हद तक एक हिंट है, उन्होंने बेसिकली एक फ्लाइट जो दुबई से ट्यूनिसिया जा रही थी, उन्होंने उसके लिए ये फैसिलिटी की। सो दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। अगर ये होता है तो इससे मेरे नजदीक जो बड़ी एयरलाइंस जैसे एमिरेट्स और कतर वगैरह जो इससे अफोर्ड कर सकती हैं लग्जरीज, इस तरह की फैसिलिटीज अफोर्ड कर सकती हैं, तो मेरे नजदीक उससे काफी उम्मीद बेहतर होगी। और पाकिस्तानी हुकूमत की एक जो रिक्वायरमेंट थी जो शुरू में थी कि जी आप टेस्ट का रिजल्ट साथ लेके, तो वो फुलफिल हो सकती है। अच्छा, क्वेश्चन क्विकली। इराक टू पाकिस्तान, इराकी एयरवेज की एक फ्लाइट आई थी PIA बगदाद से लोगों को लेके आई है, लेकिन फिलहाल अभी कोई और जी नहीं है। सऊदी अरब के लिए मैं जवाब दे चुका हूँ आतिफ जरीफ साहब, अभी तक कोई प्लान नहीं है सऊदी अरब की तरफ से, इसमें रोक है, जॉब्स खत्म हो गई हैं सब। आई नो खुर्रम अब्बासी साहब, दैट्स वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट कि जो दुबई में लोग फंसे हुए हैं उनकी जॉब्स खत्म हो गई हैं। एम्बेसी इस सिलसिले में आपको फैसिलिटेट कर रही है, मेरी आज एम्बेसी से भी बात हुई थी, वो फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहे हैं। कुछ रेस्टोरेंट्स का मेरे दोस्त ने जिक्र किया, मेरे एक दोस्त हैं हांगकांग से, उन्होंने मुझे भिजवाया था कि अगर आप दुबई में हैं तो देश परदेश रेस्टोरेंट जो है वो फ्री फूड दे रहा है, दे आर प्रोवाइडिंग फ्री फूड एंड फैसिलिटी टू यू। उसके अलावा गोविंदा रेस्टोरेंट जो दुबई में, उनका नंबर उन्होंने लिखा हुआ है, वो दे रहे हैं। स्पाइस ऑफ इंडिया शारजा अल नहदा में है, सादिक गफूर को से ऐसी, यानी बहुत सारे हैं, हम शेयर कर देंगे पेज के ऊपर। ये लोग जो हैं ये सपोर्ट कर रहे हैं, जिनकी जॉब्स नहीं है, जो स्ट्रगल कर रहे हैं फूड के लिए, उन्होंने नंबर्स दिए हुए हैं। तो ये नंबर्स मैं आज इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में और इसकी पोस्ट बनाकर शेयर करें, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। आई नो इट्स अ वेरी टफ, अगर जो सुन रहे हैं अगर उनके पास ऐसी गुंजाइश है, पैसे हैं, खाना है, कुछ भी है, तो प्लीज शेयर करें। दिस इज द टाइम टू बेसिकली शो ह्यूमैनिटी, शेयर ह्यूमैनिटी। हम सब पाकिस्तानी हैं और हमें एक दूसरे के साथ शेयर करनी चाहिए। कमिंग बैक टू
अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने नोट किया, खुरमाबाद से मैं आपका जवाब काफी डिटेल में दे दिया है। हाँ टिकट्स कैंसिल हो रही है सऊदी अरब का, मैंने बता दिया। फ्रैंकफर्ट के लिए माहून मलिक साहब प्लान कर रहे हैं, आपने जाना है माहून मलिक साहब या आप सिर्फ चस्के लेते रहते हैं मुझसे, ये मुझे जरा आपने कमेंट में बताइए। 26 को फ्लाइट नहीं ऑपरेट हो रही, सो आई एम नॉट ब्रिटिश, दोहा जा सकूंगा क्या? अबरारुल हक साहब नहीं, जो दोहा कतर एयरवेज को जो इजाजत मिली है वो ये है कि वो खाली जहाज क्रू के साथ आएगा पाकिस्तान, लाहौर इस्लामाबाद से पैसेंजर्स लेके जाएगा, क्रू भी लाहौर नहीं उतर सकता, तो यानी स्क्रीन की सख्त उसके ऊपर है, तो आई डोंट थिंक कि आपको लेके जा सकेंगे। जॉर्डन टू पाकिस्तान आपकी फ्लाइट एहतिशाम अरशद साहब कैंसिल हो चुकी हैं, नो यू कैन नॉट गेट कनेक्टिंग फ्लाइट्स, आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल राइट नाउ। पाकिस्तान टू मिलान रोम एमी फ्लाइट अभी तक कुछ नहीं है, जिसका टिकट 26 मार्च को बुक था आलम खान साहब, 23 मार्च को कहां के लिए बुक था बताएं, तो उसके हिसाब से, और जिस एयरलाइन का था उससे राबता करें, उनसे पूछें कि उनका क्या प्लान है उस बारे में। कुछ एयरलाइन जो हैं वो टिकट्स को अकोमोडेट कर रही है, जैसे पीआईए है वो यूके और कनाडा के लिए लोगों को अकोमोडेट कर रहे हैं। मैंने क्वेश्चंस काफी सारे जो हैं उनके जवाब दे दिए आप लोगों को, सो अगर आपके जहन में कोई और सवाल है, कोई ऐसे पॉइंट्स है, मैंने ट्विटर के ऊपर जो अब तक मुझे लोगों ने टैग करके पूछा हुआ था वो भी मैंने जवाब दे दिए हैं मुझसे। अच्छा इटली और बार्सिलोना स्पेन की बात कर रहे हैं तनवीर असगर साहब, डेड बॉडीज, अब डेड बॉडीज पीआईए ने कहा है कि जो कोरोना वायरस के विक्टिम्स उनकी डेड बॉडीज नहीं लाएंगे लेकिन बाकियों की लाएंगे, वो लोग शेयर की थी। फाजी भट्टी साहब, साजी भट्टी साहब, पीए चार्ज, एक मिनट, पीए चार्ज सेकंड डे अलाउड टू अदर एयरलाइंस, थर्ड, देखिए वन वे बेसिस के ऊपर जो पीआईए फ्लाइट्स ऑपरेट कर रही है ये रिटर्न फ्लाइट का चार्ज कर रही है आपको, उसके अलावा जो सारी कॉस्ट हैं ये मैंने एक पुरानी वीडियो में शेयर किया हुआ है कि जो किस तरह कॉस्टिंग सिस्टम काम करता है, मैं आपको यानी आप मैसेज करें आपको लिंक उसका भिजवा देंगे, सो आप समझ सकते हैं। दूसरे नंबर पे why they allow the other airlines, उन्होंने दूसरी एयरलाइंस को इजाजत दी है कुछ एयरलाइंस को, बुनियादी मसला क्वारंटीन फैसिलिटीज का है कि जो पैसेंजर आएंगे उनके साथ करना क्या उन्होंने। हाई प्राइस, अब पीआईए ने जो यूके के लिए फ्लाइट कही है उसका 525 पाउंड है और 1,10,000 रुपए कराया, जो मेरे नजदीक काफी रीजनेबल है ऑफ सीजन सीजन के हिसाब से। अच्छा माहून मलिक साहब आपकी फैमिली, सॉरी, अब अगर पेरिस के लिए फ्लाइट ऑपरेट हो चुकी है, फ्रैंकफर्ट के लिए प्लान की जा रही है, तो आप पीआईए से रब्ता करें, फ्रैंकफर्ट की फ्लाइट पे तो आपको कम से कम जा सकते हैं, वहां से आगे देखा जा सकता है। आलम खान साहब दुबई से इस्लामाबाद अभी नहीं, पीआईए कुछ फ्लाइट्स ऑपरेट कर रही है, अगर आप उन पर जगह मिलती है क्योंकि बहुत ज्यादा डिमांड है, सो यू हैव टू वेट फॉर दैट। यस उमर डार, उमर डार साहब, उमैर आप बात करें एयरब्लू से, एयरब्लू ने अगर आप फ्लाइट सस्पेंड किए उन रिफंड्स कर रहे हैं या रीएडजस्ट कर रहे हैं, सो दे वुड बी एबल टू डू समथिंग अबाउट दैट। सऊदीया की फ्लाइट्स अभी नहीं डिपार्ट करेंगी, एयरब्लू से हम बात करेंगे, मैं कोशिश करूँ कि आई गेट समबडी फ्रॉम एयरब्लू टू कम एंड टॉक टू अस ताकि हम उनसे बात कर सकें और होपफुली हम इसका कोई ना कोई लिखेंगे, एयरब्लू से बात करें, उनकी कॉल सेंटर खुला है, कॉल देम, फेसबुक पे मैसेज करें। दोहा टू कराची नहीं, मोहसिन रिजवान साहब, दोहा टू कराची फ्लाइट नहीं है। माजिद साहब का मैसेज था कि माजिद साहब जो है वो सपोर्ट करना चाह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, कराची टू ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न के लिए एक फ्लाइट हो रही है, अगर ये कामयाब होती है कुछ होता है तो देन मेरे नजदीक अगर आप लॉबिंग करना चाहते हैं तो जुल्फी बुखारी साहब का डिपार्टमेंट है, मुईद मलिक साहब का डिपार्टमेंट है, उनसे ये कहें कि अगर कतर एयरवेज खाली जहाज लेके आ रही है तो नहीं उसमें पैसेंजर लाए जा सकते, ये बहुत ही अहमकाना किस्म की पॉलिसी है कि फ्लाइट्स आ रही हैं पैसेंजर्स नहीं लाए जा सकते उनमें, तो कुछ ना तो रास्ता निकालें, हर जगह पीआईए नहीं जा सकती, अगर नहीं अगर जा सकती है तो भिजवाएं, नहीं जा सकती तो जो एयरलाइंस करना चाहती है उनको करने दिया जाए और थोड़ा सा उस फैसिलिटीज को एक्सटेंड किया जाए, यानी कि जाहिर बात है लोगों की मुश्किलात हैं और इस हुकूमत का तो सबसे बड़ा मंत्रा यह था कि ओवरसीज पाकिस्तान को इन्होंने इतना राइट्स देने की बातें की थी, तो आई थिंक इट्स वैलिड पॉइंट, जो जो लोग आपको उन मुल्कों में बैठ के सुहाने खाते हैं इस हुकूमत के बारे में उनसे रब्ता करें, कहें उनसे कि जी क्यों नहीं कर रहे वो लोग आपके, आई थिंक दैट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट। मैं आवाज उठाने को तैयार हूँ, मैं इस बारे में बात भी कर चुका हूँ, लिख भी चुका हूँ, लेकिन इट हैज टू बी डन। हसीबा खान जो है वो बहुत दफा कह रही है मुझे दोहा टू डेलस उनकी फ्लाइट थी, अब मसला
ये कि दोहा से आगे फ्लाइट करनी है, तो यू आर स्टक, देयर इज नो अदर ऑप्शन यू हैव. सो वी हैव टू मोर मिनट्स, और उन टू मिनट्स में हम जकार्ता टू इस्लामाबाद, इस्माइल खान नहीं, कराची आई है कल फ्लाइट, अगली अब मुझे नहीं पता, उनके पास लोड होगा तो वो करेंगे. पेरिस टू इस्लामाबाद एक फ्लाइट ऑपरेटिंग इमरान रियाज साहब हो चुकी है, दूसरी का अभी देखो नहीं. पाकिस्तान टू फ्रैंकफर्ट आ रही है फ्लाइट, वकास नवीद साहब, देयर इज वन फ्लाइट इन प्लानिंग, टॉक टू पीआईए, कॉन्टैक्ट देयर ऑफिस और कॉल देम. इस्माइल खान जकार्ता टू इस्लामाबाद नहीं, जकार्ता टू कराची फ्लाइट कल आई थी. इस्लामाबाद टू दुबई ट्रैवल नो, देयर इज नो सच थिंग. सऊदी अरब के लिए कुछ प्रोग्राम नहीं है, सऊदी अरब फिलहाल सऊदी अरब की तरफ से रिस्ट्रिक्शन. मैंने कल भी बताया था कि सऊदी अरब की गवर्नमेंट ने कहा था कि वो अभी तक सऊदी एयरलाइंस को इजाजत नहीं दे रहे. हम क्विकली फ्लाइट रडार पे नजर डालते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में क्या सूरत हाल है, पाकिस्तान की एयर स्पेस कैसी है, और उसके साथ ही आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कोई कमेंट्स हैं, कोई पॉइंट्स हैं, प्लीज ये शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचे. किर्गिजिस्तान से अभी तक कोई सहूलत नहीं है. साजी भट्टी साहब, I completely agree with you कि अगर इतने पैसे ले रहे हैं तो आपको कोई रिटर्न उसका देना चाहिए, लेकिन इंडोनेशिया से एक फ्लाइट आ चुकी है तो इसका मतलब है कि और भी आएगी. कल फ्लाइट्स पे लोग आए हैं, 200 से ज्यादा लोग आए हैं. पेरिस आबाद, तो इमरान रियाज साहब आप कहां से आना चाह रहे हैं, पेरिस से कहां आना चाह रहे हैं? इस्लामाबाद नहीं. जलील मरसब, आपके सवाल का जवाब नहीं है. सऊदी अरब रियाज टू इस्लामाबाद नो. पाकिस्तान कुवैत से एक फ्लाइट कल आई थी कराची, जजीरा एयरवेज की, सो अभी तक कोई फ्लाइट नहीं है. पाकिस्तान की स्पेस इस वक्त तकरीबन खाली है. कार्गो लक्स का एक 747 जो है वो फ्लाई कर रहा है. दोहा से एक फ्लाइट 747 जो है वो जा रहा है कार्गो लक्स का ही. टर्किश एयरलाइन का हनोई जहाज, एक गल्फ स्ट्रीम फिर रहा है कहीं, आई डोंट नो किसका है ये. सो दैट्स ऑल इट, दैट्स ऑल अबाउट इट. उसके अलावा नो, सो देयर इज नथिंग दैट आई कैन सी इंटरेस्टिंग जो कि आपके साथ शेयर किया जा सके. फाइनल, हाँ जी, साजी भट्टी से मैंने बताया कुवैत का हो चुका है. हाँ जी, 130,000. अब मैं रेट के ऊपर, अब वो फेरी फ्लाइट थी, यानी जहाज यहां से खाली गया, क्रू के साथ गया और फिर वहां से नए क्रू के साथ आया, क्योंकि फ्लाइट इतनी लंबी है कि उसमें क्रू जो है वो वन स्टॉप नहीं परफॉर्म कर सकता. तो इस्माइल खान साहब, कॉस्टिंग के ऊपर हम एक वीडियो कर चुके हैं, मजीद एक करूंगा मैं. सो अब मैं नहीं इस बारे में कुछ कमेंट कर सकता. दूसरे नंबर पर ये चीज समझे जनाब, पीआईए एक एयरलाइन है जिस तरह कोई और एयरलाइन है, खैराती इदारे नहीं है. I'm sorry, तो वो कभी भी आपकी हमदर्दी नहीं सोचेंगे आपके बारे में, यानी किसी हद तक सोचेंगे ठीक है जी वो आपके लिए कर रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन वो फ्री में नहीं करेंगे कभी भी. यानी इट्स अ बिजनेस, दे हैव टू रन कॉस्ट. तो ये जो कॉस्ट उन्होंने तय की है ये इसलिए भी हायर है कि एक 400 सीटर जहाज जो है वो 250 और 170 पैसेंजर्स लेके आ रहा है, जिसकी बुनियाद पर उसके अंदर कैपेसिटी ऑलरेडी रिड्यूस, फिर उसको एक्स्ट्रा क्वारंटीन की फैसिलिटीज और बाकी सब कुछ भी. अच्छा, क्वारंटीन की फैसिलिटी के अंदर भी एक बारीक बात ये आई है कि अगर आपने क्वारंटीन सेंटर में रहना है तो आप फ्री में रहेंगे, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप क्वारंटीन सेंटर में नहीं जाना चाहते तो आप अपने खर्चे पर, पीआईए आपको होटल ले जाएगी और कहेगी कि आप या सिविल एविएशन या जो भी कर रहा है. सो दैट इज द जो मुझे समझाया गया कि ये मसला है. पैसे किससे नहीं लिए जा रहे क्वारंटीन के, अगर आप क्वारंटीन में नहीं रहना चाहते तो डेजिग्नेटेड होटल में रह सकते हैं जहां पे आपको पैसे देने पड़ेंगे. 26 मार्च को आपने बुक किया था, अभी तक कंफर्म है तो पूछें, मेरे ख्याल में उसके ऊपर कोई ना कोई डेवलपमेंट होगी. इमरान रियाज साहब पेरिस टू इस्लामाबाद अभी नहीं, अभी नहीं. साकिब मलिक साहब यही पूछ लेते आप, मैं इनबॉक्स खोलता हूं, लेट मी चेक इनबॉक्स. आई ऑलवेज ट्राई कि मैं 6:30 बजे सॉरी 9:30 बजे आधे घंटे में खत्म कर दूं, लेकिन देर इज ऑलवेज समथिंग. आई एम करंटली यू आर
साकिब एमडी साकिब मलिक साहब, मुझे लगता ये है कि जो एमिरेट्स ने वो मैंने बताया ना 10 मिनट वाला टेस्ट किया, उसके नतीजे में ये पॉसिबिलिटी आ रही है कि मिड जून मिड मे तक कोई ना कोई सूरत हाल निकल आएगी। मैं ये समझता हूँ मेरी जाती राय में रमजान के अंदर कोई बेहतरी के इम्कान नहीं होंगे, ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट होगी। देखिये इस हुकूमत के एयरलाइन इंडस्ट्री के दो बड़े चैलेंजेस इस वक्त हैं। एक, उन्होंने एक चलती मशीन को बंद किया, उसको चालू कैसे करो। दूसरे नंबर पे कैबिन क्रू पायलट्स इन सब के इशू, उनके जो कोरोना से बचाव के है, डिसइंफेक्शन है, ये सारी चीजें उसको देखा जाए कि किस तरीके से वो महफूज रह सकते हैं और उनको वायरस ना हो। तीसरे नंबर पे एयरलाइंस ने ये देखना है कि उन्होंने डिसइंफेक्शन करनी है जहाजों की। जहाज नॉर्मली 3 घंटे ग्राउंड पे रहता है तो वो ज्यादा देर तक ग्राउंड पे रहेगा, ज्यादा देर तक ग्राउंड पे रहेगा तो एयरपोर्ट के चार्जेस ज्यादा होंगे, सफाई के चार्जेस होंगे, डिसइंफेक्शन केमिकल्स, सैनिटाइजर्स, ये सारे जो लवाजमात हैं ये एक्स्ट्रा हैं। फिर अब हर हुकूमत के अपने अपने रूल्स होंगे। यूएई वाले कहेंगे जी आप टेस्ट करवा के जाएं, पाकिस्तानी कहते हैं जी 2 दिन आप क्वारंटीन में रहें फिर टेस्ट होगा आपका। क्वारंटीन का खर्चा जो है वो अलग से है, क्वारंटीन के अंदर जाएं। अब मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में एक जमाने में हफ्ते की 390 से 400 के करीब फ्लाइट्स, इससे ज्यादा फ्लाइट्स आती हैं। फी फ्लाइट अगर आप 200 बंदा कर बात पहुंचती, इतनी क्वारंटीन फैसिलिटीज होंगी, इतनी क्वारंटीन फैसिलिटीज अवेलेबल होंगी, क्या लोग वहां रह सकेंगे, उनको कैसे रखा जाएगा, जगह कैसी होंगी। ये चैलेंजेस इस वक्त रियल टाइम चैलेंजेस हैं जिनके साथ जो लोग डिसीजन मेकर्स हैं वो ग्रैपल कर रहे हैं और उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब तक इसका हल नहीं निकलेगा तब तक नहीं होगी। हाँ, मैं ये समझता हूं कि इस सूरत हाल को यूं लटकाए नहीं रखना चाहिए था, इस सूरत हाल को क्लियरली ये किया जाना चाहिए था कि जी की एक्सटेंशन है इसका कोई फायदा नहीं है, या आप एक प्रॉपर रोड मैप दें कि हाँ इतने दिनों में ये करें, इतने दिनों में ये करें। जो किसी हद तक कल परसों आया है मुईद यूसुफ ने कहा कि जी 6,000 लोगों को वापस लेके आएंगे, उससे अगले हफ्ते 7,500 का प्लान है। सो ग्रेजुअली वो क्वारंटीन फैसिलिटीज बढ़ाएंगे और इस तरह करके करेंगे। तो मेरे ख्याल में ये इस बुनियाद ये सारी चीजें चल रही हैं, इनमें बहुत बड़ा जो रोक है वो क्रू और बाकी लोगों के जो रिजर्वेशन है वो है, और क्वारंटीन की फैसिलिटीज है, ये सारी चीजें, और कॉस्टिंग अलग है। अभी तो फिलहाल खर्चे हो रहे हैं, यानी कि कॉस्टिंग करना, उनको लॉन्ग टर्म करना, दीज आर ऑल दे हैव टू अंडरस्टैंड। मोहम्मद जान साहब, हॉलैंड से कोई नेटवर्क नहीं है, आप फंसे हुए हैं आई थिंक। कहां लोग हॉलैंड में लोग मर रहे हैं कोरोना से, पाकिस्तानी कोई, आप क्या बात करना चाह रहे हैं। 1,00,000 इस्माइल खान साहब, जनाब मैं आई डोंट वॉन्ट टू साउंड इनसेंसिटिव, मैं समझता हूं कि अगर मैं अपना पहले दिन का मैसेज रिपीट करता हूं, अगर आपका सफर अजहद जरूरी है, अजहद जरूरी नहीं है, ये मैंने फैसला नहीं करना कि आपका सफर अजहद जरूरी है, आपने फैसला करना है तो आप मत जाओ। यानी आपने ये फैसला करना है कि आपका महंगा टिकट लेके क्या जिस मकसद के लिए आप जा रहे हैं वो वर्थ इट है। अगर आप ये फैसला करते हैं कि उसकी वर्थ इतनी नहीं है तो फिर आप मत जाए, सफर ना करें। यानी इस हालात में मैं ये कह चुका हूं कि आपको नहीं पता जहाज कैसा है, डिसइंफेक्शन हुई है कि नहीं हुई, आगे एयरपोर्ट कैसा है, चेंज ओवर्स क्या होंगे, आपके साथ बैठने वाला बंदा कौन है, यू डोंट नो एनीथिंग। सो इस सारी सूरत हाल में आपको ये फैसला करना है कि क्या आपने अपने आप को इस मुश्किल में डालना है, वो भी 1,30,000 के एवज। अगर आप फैसला करते हैं हाँ तो फिर यस आपको देखना है, इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं, फैसला आपने करना। दूसरे नंबर पे मैंने कल दोबारा डिसइंफेक्ट करती है तो अपने सैनिटाइजर साथ लेके जाएं, वाइप्स साथ लेके जाएं ताकि अपनी सीट को, सीट बेल्ट को, जिन जिन चीजों को आपने टच करना है उन सबको डिसइंफेक्ट करके इस्तेमाल करें। अपनी सेफ्टी आप खुद इस्तेमाल अपने हाथ में रखें। किसी भी एयरलाइन, बेशक वो एमिरेट्स है या बठिंडा एयरलाइन है, उसके ऊपर इतलाए मत करें। 20 अप्रैल to 30 अप्रैल जी फ्लाइट है यूके के लिए, उनमें पाकिस्तानी कोई नहीं यहां से आ नहीं सकता, जा सकते हैं। लाहौर टू टोरंटो, यस देर इज अ फ्लाइट, मैंने आप थोड़ा सा लेट आई है, साइमा गोराया साहिबा, मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी, आप बाद में सुन लीजिएगा। टोरंटो के लिए फ्लाइट लाहौर से जा, एमडी मलिक साहब आपके सवाल का जवाब दे दिया है, लाहौर से दोहा नहीं। पीआईए का रियाज इस्लामा का टिकट कैंसिल हो गया है, आप पीआईए से बात करें। Any flight from UK to Islamabad? Yes, there are flights coming, but there is a restriction on capacity. So you need to understand. Thank you, Ismail Saab. Bahut shukriya. Saima Guraya, maine aapke sawal jawab de diya. Sadul Akhtar, hello, Quetta se. Shaheer Raza, what facilities provided Pakistan nationals stuck in Pakistan?
कहाँ के डुअल नेशनल भाई, बर्तानिया अपने लोगों को फैसिलिटेट कर रहा है, कनाडा वाले कह रहे हैं कि $2,000 लो, फॉर्म फिल करो अभी, लो बाद में तय करेंगे क्या करना है उसके साथ, सो देयर आर फैसिलिटीज हैपनिंग। सऊदी अरेबिया के लिए साउथ अल्लाह अभी कोई प्लान नहीं है, कोई यानी प्लान कोई नहीं है अभी फिलहाल, इट्स सऊदी गवर्नमेंट इजाजत नहीं दे रही है, पाकिस्तानी हुकूमत अभी कोई इस बारे में क्लैरिटी नहीं है, देयर इज अ वेबसाइट यू कैन चेक देयर। सर आई जलील कमर साहब, मैंने आपके सवाल का जवाब दिया कि नहीं, आपने पूछा था कि डेलस यूनाइटेड स्टेट से अमेरिका के लिए, इस्लामाबाद के लिए फ्लाइट, अभी अमेरिका से कोई पाकिस्तान फ्लाइट नहीं आ रही, आप इमरजेंसी आना है, तानिया आ जाए, लेकिन सिर्फ उस सूरत में आए कि अगर आप पीआईए आपको बर्तानिया से लाने को तैयार है, अदरवाइज आप वेट करें। नवीद, अगर पीआईए आपको ले जाती है तो जाएं, बिल्कुल बिल्कुल, अगर आपको मिलता है, आपके पास इटालियन डॉक्यूमेंट्स हैं तो जाएं बिल्कुल। अब्बास, अभी चाइना की फ्लाइट इस्लामाबाद से कराची गई है और कराची से इस्लामाबाद आई, ये चाइना की फ्लाइट आई हुई थी, सो आप उनसे बात करें। ज़ियाउर बसरा के कमेंट्स यहां मत किया करें प्लीज। सो दैट्स ऑल, सबके सवाल मुझे, और हम तकरीबन 10 मिनट्स ओवर हैं, कल हम सेम टाइम यानी कि पाकिस्तान और GMT 4 o'clock हम दोबारा हाजिर होंगे, उस वक्त तक के लिए जाते हैं, मलेशिया टू इस्लामाबाद मलेशिया जाएगी और वहां से पैसेंजर्स को लेके आएगी। यस, सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी, आप प्लीज इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचे, बहुत सारे सवालों के जवाब मैंने 2-3 दिनों में दिए हैं, आप उनको देख सकते हैं, आई नो इट्स वेरी लॉन्ग। उस्मान अवान, यस देयर आर फ्लाइट्स, इमरजेंसी फ्लाइट्स कमिंग टू यूके, A lot of them are coming to UK. Qatar Airways की आ रही है, PIA की आ रही है. Talk to PIA, talk to British High Commission. So that's all. और कल हम दोबारा इस सिलसिले में रابطہ करेंगे. मैं quickly check कर लूँ कि हमें Instagram पे कुछ तो नहीं मिला. Okay. So in 10 minutes, I'm going to be live on Instagram. So if there are any questions.